रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स, अज मैं तुहाडे नाल 10th साइंस नैस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 जो कि सॉल्व एंड एक्सप्लेन इंग्लिश एंड पंजाबी मीडियम विच कीती हुई है तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा हाँ। इस नूं समझण लई इस वीडियो नूं अखीर तक देखना। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र विच दिखाई अपघटन क्रिया दौरान किहड़ियां गैस जां गैसां निकलदियां हन। नेम द गैस और गैसेज इवॉल्व ड्यूरिंग डीकंपोजिशन रिएक्शंस। हाँ जी, देखो जदों फेरस सल्फेट नूं हीट करते हाँ, गर्म करते हाँ, तो बेटे इस विचों दो गैसां निकलदियां। तुहाडी बुक विच लिखिया होया है सल्फर डाइऑक्साइड ते सल्फर ट्राईआक्साइड, भाव के नंबर 2 ऑप्शन ते 3, लेकिन थोड़ी इहदे विच प्रॉब्लम आ, ऑप्शन नंबर 4 लिखिया होया है वह गलत आ, क्योंकि 2 और 3 जिहड़े आ वह सही आ, इस करके इसका ऑप्शन नंबर आएगा 2 अते 3 दोवें। क्वेश्चन नंबर 2, जमात विच अध्यापक ने दसिया कि लोहे नूं जंगाल उदों लगता है जदों लोहा आक्सीजन अते पानी नाल प्रतिक्रिया करता है। इस रसायनिक क्रिया की किस्म अते इस दी रसायनिक समीकरण भी लिखो। हाँ बेटे, इसका जिहड़े है ऑप्शन नंबर 4 है, रिडॉक्स रिएक्शनज है, तो इस ऑप्शन नंबर जी है 4 है आंसर। हाँ देखो, इस 4 दे विच ऑप्शन दे विच Fe आयरन भाव लोहा जदों ऑक्सीजन O2 अते H2O पानी के संपर्क में आता है तो Fe2O3 बनता है, भाव के जंगाल लगता है, इस करके इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, चूने दे पानी का रसायनिक सूत्र की है? वट इज़ द कैमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? हाँ जी, इसका ऑप्शन फर्स्ट है 1 CaOH2। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिज्म विच्चों लंघन वेले किहड़ा रंग सब तो घट चुकदा है विच कलर सफर्स लीस्ट डेविएशंस ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म? हाँ जी बेटे, देखो इसका है ऑप्शन नंबर 1 रेड, क्योंकि आप जदों प्रिज्म दे विच 7 कलर देखते हैं, बिब ग्वायर तो उहदे विच जो है वायलट सब तो नीचे आता है, नीचे तो शुरू करते हैं, ठीक है, तो रैड उपर आता है, ठीक है, तो वह जिहड़ा है रैड सब तो घट झुकता है। तो जेकर इसी तरह क्वेश्चन आ जाए कि सब तो वध किहड़ा झुकता है, वह है जामनी भाव वायलट, इस करके इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 रैड भाव लाल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ग्रुप विच्चों केड़ी डावनियर की तिकड़ी नहीं है? आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज़ नॉट ए डावनियर ट्राइड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रिलियम मैगनीशियम एंड क्रोमियम, ठीक है, ऑप्शन 1, 3 एंड जो 4 है वो आते हैं, लेकिन इसका जोड़ा नहीं आता वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, किसी खास शैल में मौजूद सब तो वध इलैक्ट्रॉना की गिणती पता करने लिए निम्नलिखित विचों किस सूत्र की वरतों की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर शैल? हाँ जी बेटे, यदा फार्मूला होंगे है ऑप्शन नंबर 1 2n2, इतने एन की है नंबर ऑफ शैल्स आ, भाव जो 1 शैल होएगा तो 2 1 square होएगा, जे 3 शैल होएगा जिदा तो 2n3 square क्यूब होएगा, तो इस करके इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 है 2n2। क्वेश्चन नंबर 7, हेठ लिखे हुए विचों केड़ा उपकरण बिजली धारा के तापन प्रभाव से काम नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी? हाँ जी बेटे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फैन पखा। क्वेश्चन नंबर 8, जदों बारिश दियाँ बूंदा ते सूरज की रोशनी पैंदी है तो सतरंगी पींग बनती है, हेठ लिखे प्रकाशी वर्तारिया विचों केड़ा इस लई जिम्मेवार है? ए रेनबो इज फाउंड वैन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर रिस्पोंसिबल फॉर इट? बड़े ऑप्शन नंबर देखो, थोड़े 5, 6, 7, 8 बुक के लिखे आ, पर 1, 2, 3, 4 आएगा, इसका लास्ट ऑप्शन 4 है, अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विखेपण, अंदरूनी परिवर्तन, भाव रिफ्रैक्शन, डिस्परशन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, मनुखी अख दे रैटिना ते बनन वाले प्रतिबिंब की प्रकृति की हुंदी है? वट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म डैट रैटिना ऑफ ह्यूमन आई? ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक अते उल्टा, रियल एंड
इनवर्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल दर्पण की वरतों वाहन के पिछे ट्रैफिक नूं वेखण लई कीती जांदी है क्योंकि इस द्वारा बनिया प्रतिबिंब द कन्वैक्स मिरर इज यूज टू व्यू द ट्रैफिक बिहाइंड द वहीकल बिकॉज द इमेज फाउंड बाई इट इज़ द ऑप्शन नंबर 2 छोटा अते सीधा पाव स्माल एंड डायरैक्ट इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होंदी है। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑप्शन नंबर 2 अनंत भाव इनफाइनाइट जा इनफिनिटी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, मनुखी अख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने बनाती है। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज नंबर 4 है ऑप्शन रैटिना बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट सर्किटिंग दौरान करंट डैश ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट का करंट, हाँ जी ऑप्शन नंबर 2 आंसर बढ़ता है भाव इनक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हेठ लिखिया ओहम के निजम दर्शाता किहड़ा सूत्र बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करैक्टली रीप्रजेंट्स ओहम्स लॉ। ऑप्शन नंबर 1 है वी इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 15, 13 ओहम 50 ओहम अते 80 ओहम नू लड़ीबद्ध सर्किट विच जोड़िया गया है। तीन प्रतिरोधकों का तुल प्रतिरोध पता करो, 30 ओम 50 ओम एंड 80 ओम। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 4 है 160 ओम, क्योंकि देखो जेडे इहदे एक 30 आ प्लस 50 प्लस 80 तिन्हां दा जोड़ करांगे तां ओह जिहड़ा साडा कुल जोड़ आएगा 160 ओम। क्वेश्चन नंबर 16, जदों दो जां दो तो ज़्यादा प्रतिरोधां नूं लड़ी विच जोड़िया जांदा है तां ओह किहड़ी भौतिक राशि है जिहड़ी उहनां विच स्थिर रहिंदी है। वैन टू ओर मोर दैन टू रजिस्टेंसिज आर कनैक्टड इन सीरीज़ विच फिजिकल क्वान्टिटी रिमेन्स सेम। हाँ जी बेटे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिजली धारा भाव के इलैक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकी वल रेखावां बारे हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैगनेटिक फोर्स लाइन इज ट्रू। हाँ बेटे इसका आंसर है ऑप्शन ए अते सी दोवें भाव बोथ ए एंड सी आर करैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, चित्र विच चालक तार चुंबकी सूई दे उपर है अते बिजली धारा दा बहाव दक्षण तो उत्तर दिशा वल है, चुंबकी सूई दा उत्तरी ध्रुव किस दिशा वल गति करेगा। इन द फिगर द कंडक्टर वायर इज अबव द मैगनेटिक नीडल एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेटिक नीडल डिफलैक्ट। हाँ बेटे जिहड़ा मैं इहदे विच ऑप्शन दिता है ये ऑप्शन नंबर 3 आ पूर्व दिशा वल टू द ईस्ट, फिर भी तुहाडी बुक विच डायग्राम बनिया होया है, लेकिन आपां ये देखना है कि मैगनेटिक नीडल उपर है वायर दे जां नीचे आ। ठीक है, इस करके मेरे हिसाब नाल जिहड़ा ऑप्शन नंबर मैं 3 दिता है तुसीं कमेंट बॉक्स विच फिर भी दसना है कि ये सही आ कि गलत है जां किहड़ा होर बनता है। फिर भी क्लीयर तुसीं जरूर बुक तो करना है ते अपने टीचर तो भी क्लीयर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, सज्जा हाथ अंगूठा नियम की दसदा है। वट डज द राइट हैंड थम रूल गिवस। ऑप्शन नंबर 4 है पैदा हुई चुंबकी खेतर की दिशा द डायरेक्शन ऑफ द जनरेटेड मैगनेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 20, बिजली ऊर्जा की व्यापारक इकाई के डबल्यू एच है, 1 KWH का मान कितना होता है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इज किलो वाट पर आवर्स, किलो वाट इंटू आवर्स। वट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 KWH इन जूल्स। ऑप्शन नंबर 1 है 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियर रिएक्टर विच डैश क्रिया ऊर्जा का स्रोत होंदा है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, न्यूक्लियर विखंडन क्रिया भाव न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 22, भोजन लड़ी विच
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਪਲੇਡ ਬਾਈ ਹਰਬੀ ਵੋਰਸ ਇਨ ਦਾ ਫੂਡ ਚੇਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਗੈਸ ਇਨ ਬਾਇਓਗੈਸ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮੀਥੇਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24, ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਮੇਕ ਸੋਲਰ ਸੈਲਸ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਂਸਰ ਸਿਲੀਕੋਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਜ਼ ਐਟ ਫਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸਦਾ ਹੈ 4, ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਪਘਟਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਲਾਈਕ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਆਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਸ ਵਾਈ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਤਾਪ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਹੀਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ। ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮ ਬਿਲਟ ਔਨ ਇਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ? ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਏ ਐਂਡ ਸੀ ਬੋਥ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਐਂਡ ਟਰਨਸ ਇਨ ਟੂ ਏ ਲਿਕੁਇਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਂਸਰ ਪਿਘਲਣਾ ਭਾਵ ਮੈਲਟਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਕੋਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ H2 Cu ਪਲੱਸ H2O ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਵ ਲਘੂਕਰਨ ਭਾਵ ਆਕਸੀਕਡੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਭਾਵ H2 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਭਾਵ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ CuO ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ CuO ਨਾਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਥੀ ਆ ਅਤੇ ਹਾਈਡ H2 ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 3। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31, ਤੱਤ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 8, 12, 17 ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਆਰ 8, 12, and 17 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸਦਾ 3 ਹੈ ਆਂਸਰ, ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 12 ਆ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਜੋ ਹੈ 17 ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦੀ pH ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਦਾ pH ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਕ ਵੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਕਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ pH ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 1। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33, ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਦਾ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, ਵੇਲਣਾਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 18 ohm ਹੈ, ਇਹ 3 ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ 2 ohm, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਪਣ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਨਵਰਟਡ ਸੇਮ ਇਮੇਜ, ਦਰਪਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟੇ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਭਾਵ ਕੁਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 6 ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
इस तरह के जो होर भी तुहाडे नाल मटीरियल है जो हुण सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर होणगे उहदे नाल संबंधित तुहाडे नाल सांझा करदा रहांगा। इस लई मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।